ओडिशा के नोआपड़ा जिले की राज खरियार पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी हुई 22 मोटरसाइकिल जब्त करने के साथ ही दो चोरों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को एसडीपीओ कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में खरियार एसडीपीओ संतक जेना ने यह जानकारी दी है। प्राप्त जानकारी अनुसार नरसिंहपुर निवासी श्रीकांत बिहारी की मोटरसाइकिल गत जून माह में चोरी हो गई थी। बीते 7 नवंबर को श्रीकांत ने खरियार थाने में इसकी शिकायत की, जिसके बाद थाना प्रभारी अनिरुद्ध मुदुली के नेतृत्व में एक टीम ने छानबीन शुरू की। छानबीन के दौरान पुलिस को सूत्रों से कोमना थाना क्षेत्र के चांदोपला गाँव निवासी त्रिलोचन सबर उम्र 30 के इस मामले में संलिप्त होने की सूचना मिली। पुलिस ने उसके घर छापा मारा और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और पुलिस को बताया कि बोडेन थाना क्षेत्र के तंद्रीपड़ा निवासी गोवर्धन नाग उम्र 23 के साथ मिलकर उसने आसपास के क्षेत्रों सहित पड़ोसी जिलों से भी कई मोटरसाइकिल चोरी की है, जिसके बाद पुलिस ने गोवर्धन को भी हिरासत में लिया। दोनों मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद सस्ते दाम पर उसे स्थानीय लोगों को बेच दिया करते थे। पुलिस ने त्रिलोचन से 7 और गोवर्धन से 5 मोटरसाइकिल जब्त की। वहीं विभिन्न स्थानों से चोरी हुई मोटरसाइकिल को खरीदने वाले चांदोपला के रुद्र भोई से 3, कुमटी मुंडा के नीलांबर मांझी से 2, खरियार थाना क्षेत्र के चिंदागुड़ा के टेलर रणा से 2 और बोडेन थाना क्षेत्र के कोटमाल निवासी बिरंची हंस से 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। मुख्य आरोपी त्रिलोचन और गोवर्धन को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। वहीं चारों खरीदारों को नोटिस दिया गया। कार्रवाई में एसआई दुर्गा प्रसाद साहू, एसआई ताराकांत विश्वाल, एसआई धनेश्वर मांझी आदि शामिल रहे।